मंत्री जो खतली खाद्यान्न विभाग वाला जो मामला था जो अनियमित क्या अनियमित थे आज मीटिंग थी उस चीज़ देखिए, चूंकि कई दिन से मामला जनता के और मीडिया के द्वारा उठाया गया था तो आज प्रशासन से बातचीत की। अन्नपूर्णा जो एक कंपनी थी जिसको टेंडर दिया गया था उसने मात्र एक दिन भोजन की सप्लाई की, उसका पेमेंट उसे नहीं किया गया। उसी दिन भोजन की में गुणवत्ता में और लेट भोजन पहुंचा, उसी उनका तुरंत एक तरह से तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया था और जांच बैठा दी गई। EDMFS की जांच करेंगे सारे मामले की। पेमेंट अभी तक नहीं हुई, चूंकि सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि कहीं इसमें कोई फाइनेंशियल वो तो नहीं है, पेमेंट तो नहीं किया गया अवैध रूप से, तो पेमेंट नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोसीजर में गड़बड़ है, टेंडर देने में जो प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए था वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, तो इसकी जांच होगी और जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा सारे प्रोसीजर में उसके ऊपर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। EDMF को जांच दे दी गई है, ऑलरेडी सस्पेंड है, एक अधिकारी छुट्टी पे है। बहुत जल्दी इसी हफ्ते जाँच पूरी होगी और इसमें जो भी दोषी होगा प्रोसीजर का उस पर कार्रवाई होगी। फाइनेंशियल कहीं कोई रेगुलरिटी नहीं है, चूंकि पेमेंट अभी तक एक ही दिन का मात्र मामला था और पेमेंट कोई नहीं किया गया। इस तरह की महामारी में इस तरह की जो नियमितता है या लापरवाही आप कहेंगे या जानबूझकर गलती कहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इस समय महामारी में जो भी गलती है उसकी सजा मिलेगी, इसलिए तहसीलदार सस्पेंड है और भी जो जिसकी भी इसमें गलती मिलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस बात को लेकर? देखिए, अभी 6 मात्र बचे हुए हैं वैसे, लेकिन हम अभी तक रेड जोन में हैं, तो 17 के बाद देखते हैं कि क्या नई गाइडलाइन आती है, उस हिसाब से आगे, चूंकि रेड जोन की गाइडलाइन केंद्र सरकार की है उसी के द्वारा पाल। लेकिन आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ 6 पॉजिटिव केस हैं, कई दिन से कोई नया केस नहीं आया, तो मुजफ्फर एक तरफ से मैं कह सकता हूँ सेफ है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल, कमी तो मैंने खुद कहा है, प्रथम दृष्टया प्रोसीजर में टेंडर देने की प्रक्रिया में कमी दिखाई देती है। देखिए, जिला प्रशासन के साथ पूरे ज़िले की व्यवस्था अभी तक लॉकडाउन को लेकर के जो जो योजनाएं जिला प्रशासन की हैं, कहां तक हम सफल हो पाए, कहां तक हमारी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसी की माननीय केंद्रीय मंत्री संजीव आनंद जी, हमारे अन्य विजय कश्यप जी और सभी विधायकों के साथ मीटिंग हुई और राशन वितरण कैसे कैसे हुआ, क्या क्या दिक्कतें आ रही उसको लेकर हुआ। एक और संभावना जो मुजफ्फरपुर में तलाश की जा रही है कि कुछ किटों को लेकर के यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसके लिए भी जिलाधिकारी को कहा है कि उसकी गंभीरता से जांच करके उसकी जानकारी मीडिया वालों को भी समाचार पत्रों के माध्यम से समाज को देने का काम करें, ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी ना रहे। जिस अन्नपूर्णा एजेंसी को खतौली की उसका टेंडर दिया गया है उसकी भी जाँच के आदेश दिए गए हैं, उसे मात्र एक समय का खाना जो उसको दिया गया था वो और लगभग 650 पैकेट उसके द्वारा अभी तक दिए गए हैं। इसलिए जो एक विषय ऐसा करोड़ों रुपये का घोटाला हो गया है, 650 किटों में कितना घोटाला हो जाएगा? अभी तो घोटाले की कोई विषय नहीं है, पर होगा अभी तो कितना, उसकी भी जांच के लिए कहा गया कि किसी प्रकार की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी प्रकार के घोटाले की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी या दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होगी। अच्छा, लॉकडाउन फोर शुरू होने वाला है, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी की है कल, तो क्या कोई विशेष भी चर्चा हुई? अभी हुआ है, बाजार के सब लोग आए हैं, SD मार्केट, कपड़ा बाजार, जूते वाले, चश्मे वाले, सभी लोग चाहते हैं कि उनको दुकान खोलने का मौका मिले, उनकी भी बातचीत हमने की है और माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कोरोना के साथ हमको जीना पड़ेगा, तो जो जो एसेंशियल आवश्यकताएं हैं यानी कि मास्क, फेस कवर, सामाजिक दूरी, इन सबको रखते हुए धीरे धीरे बाजार खुले उसकी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। जैसे जैसी गाइडलाइन शासन से आएगी उसका हम पालन करें।